अब जैसे हमारा मेथड है ईलर्ट्स मेथड एंड ईलर्ट्स मॉडिफाइड मेथड, तो सबसे पहले ईलर्ट्स मेथड देखेंगे, वो किसके लिए होता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसे हम रुझा कुटा मेथड भी बोलते हैं। तो ये दोनों इसके नेमिंग है, और सबसे पहले ईलर्ट्स मेथड देखेंगे, उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन। ईलर्ट्स मेथड क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लगता है, और मॉडिफाइड जो मेथड होता है वो हमारी सेकंड ऑर्डर डिग्री के लिए लगता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन। हम करते क्या है, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे एफ एक्स एन वाई एन एफ एक्स वाई के इक्वल रख लेंगे, और एन की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन से देखते हैं इसमें बेसिकली है क्या। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे जैसे इसमें क्वेश्चन में गिवेन है, इक्वेशन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमें बाउंड्री कंडीशन गिवेन है क्या, वाई इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा वाई क्या है, हमारा वन है। और जो हमारा एन की वैल्यू है यहाँ पर, वो हमने एज्यूम कर ली एन इक्वल टू क्या है, फाइव। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा एज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिससे हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा ज़्यादा है और हमें जो कैलकुलेशन है कम करनी पड़े। तो हमने n इक्वल टू फाइव ही ले लिया, क्योंकि फाइव हम इंटरवल तक ईजिली बना लेंगे, उससे ज़्यादा भी लेंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी आगे जाने, जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स फाइव तक जाना पड़ेगा। तो हम सीधा यहाँ पर आते हैं, तो वाई जीरो इक्वल टू वन, यानी कि वाई जीरो की वैल्यू वन है कब, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ये डिनोट करता है, कभी भी हमारा y इक्वल टू वन है, y जीरो इक्वल टू वन, यानी कि x जीरो की वैल्यू इनिशियली क्या है, जीरो, और y की वैल्यू। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, और हमें फाइंड आउट कहाँ पर करना है, तो हमें x इक्वल टू पॉइंट वन पर फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिकली कह रहे हैं क्या, फाइनल हमारा पॉइंट वन है, और इनिशियल हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, जीरो से x। तो हमारा फाइनल माने इनिशियल अपोन एन हमारा क्या आ जाता है, एच, जो हमारा इसका डिफरेंस होता है, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, यानी कि बी क्या है हमारा फाइनल पॉइंट वन, ए जीरो अपोन फाइव जो हमने माना है, इसके लिए एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि इनमें कितना गैप होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में। तो सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स वन की, जो एक्स जीरो की वो क्या है, जीरो। उसके बाद एक्स वन निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, x0 प्लस h, यानी कि x0 में 0 प्लस 0.2। इसी तरीके x2 निकालेंगे, x1 प्लस x, इसमें 0.02 ऐड कर देंगे, 0.4। इसी तरीके से इसमें प्लस h कर देंगे इस वाले में, तो ये आ जाएगा, इसमें h की वैल्यू क्या है, 0.02, ये दोबारा 0.06 हो गया। अगेन h ऐड कर दिया इसमें, तो ये आ गया, इसमें h ऐड करा तो ये आ गया। हमें ले जाना कहाँ है, फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट वन तक, तो हम पॉइंट वन तक लिए। अब पॉइंट वन तक के लिए हमें इसकी वैल्यू क्या, वाई फाइव तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईलर्ट्स मेथड से। तो हम वैल्यू वाई जीरो की वैल्यू हमें क्या गिवेन है, वन। तो हम ये वाला अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इससे वाई की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो एन इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन, वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें यहाँ पर निकालनी है, ये तो मैंने फाइंड आउट कर रखी है, हम आगे निकालेंगे। तो y0 प्लस वन, एन की जगह 0, y0 आ गया, प्लस h, f, xn है यहाँ पे, तो n की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, n इक्वल टू जीरो, तो x0 प्लस y0, x0 और y0। अब हमारा x0 कोमा y0 होगा f। अब हमारा फंक्शन क्या है, f x, xn और yn हमने क्या एज्यूम किया है, x प्लस y है जो हमारा आया है, तो ये क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0। अब यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, y0 की वैल्यू पुट करनी है जो कि 1 है, h की वैल्यू पुट करनी है 0.02, हमें यहाँ पर x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये वैल्यू पुट करने के बाद y1 की हमारे सॉल्यूशन आ गया 1.02। अब नेक्स्ट हम यहाँ से हमारे y1 की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालने हैं हमें, y2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा y2, यहाँ पे y1 आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि y1 की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, प्लस h, h की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.02, और ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1। तो अगेन हमारा क्या हो गया, x1 प्लस y1, ये सारी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है, y1 की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट ही करी है अभी हमने, और y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y2 की।
तो ये हमने y2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी उसके बाद। उस नेक्स्ट हम क्या क्या निकालेंगे y3 की। y3 में भी अगेन क्या करेंगे n इक्वल टू टू पुट कर देंगे इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। y2 हमने अभी अभी यहाँ पर फाइंड किया है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। h, h की वैल्यू हमने शुरू में फाइंड आउट कर ली थी, वो पुट कर देंगे। f एक्स एन कोमा वाई एन, एन की वैल्यू क्या है टू, एक्स टू और वाई टू। वाई टू हमने अभी निकाला, एक्स टू हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो आगे हमारी इसी तरीके से वाई वाई थ्री आ गया, एक्स हमने वाई टू रख दिया यहाँ पर, एक्स टू रख दिया, वाई टू रख दिया और एच से मल्टीप्लीकेशन, ये कम्प्लीट सोल्व करके क्या आ गया वाई थ्री की वैल्यू 1.0624। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट वाई फोर, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे y3 आ जाएगा, यहाँ पे y3 की वैल्यू x3 और h की वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन हमारा क्या आ जाएगा जिस सेम प्रोसीजर से 1.0। इसी तरीके से हम y5 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यूलर्स मेथड से फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, वो होता है हम शुरू में बोल चुके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो इसी में इसी का यूज़ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से इसका यूज़ होगा।